मेरे फादर आर्मी में थे तो वो कभी सपोर्ट करते ही नहीं थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जैसे मैं गवर्नमेंट में हूँ, एक लाइक सिक्योर जॉब होती है, सब कुछ होता है, मतलब मेरे को लगता है मिडिल क्लास फैमिली सोचते कि इसका बेटा है बेटी गवर्नमेंट जॉब मिले उसको, तो मेरे पापा भी उनमें से ही थे। लेकिन लाइक मैंने बताया बहुतों को कि मैं समर कैम्प का वो था टाइम था, तो मैं को स्विमिंग पूल ज्वाइन करनी थी, थोड़े दोस्तों ने लाइक डिसाइड किया था, लेकिन मैं अच्छा खेलता था और गली क्रिकेट खेलता था, मैंने चलो यार एक बार प्रोफेशनली ट्राई कर लेते हैं, फिर वहां से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। मैंने पापा को बोला कि मेरे को किट चाहिए, तो पापा ने बोला क्रिकेट छोड़ दे कोई जरूरत नहीं, बैट डाले कोई बात नहीं क्रिकेट छोड़ दे। तो मैं ऐसी इमोशनल हो गया, वो लगे तो आपने क्रिकेट नहीं दिलाया ना, क्रिकेट किट नहीं दिलाया तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई, तो मम्मी ने मतलब मेरे को बताए बिना पापा को बोला कि मेरी गोल्ड चेन है वो जाके भेज दो, इसके लिए किट लाऊं। जब तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन मैं थोड़ा सा जब मैच्योर हुआ मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस था वो मेरी किट लाने का, तो मेरे को थोड़ा लगा, तो मैं और थोड़ा वो हो गया कि नहीं भाई अब तो करना ही करना। मेरे को इम्प्रूव करना था मेरा गेम, तो मेरे को लग रहा था कि आई नीड सम कॉम्पिटिटर अराउंड मी, तो मेरे को मैचेस खेलने के लिए प्रॉब्लम होती थी ये वो। तो मैं पहले आगरा से दिल्ली अप एंड डाउन करता था, लेकिन बहुत हेक्टिक होता था वो। तो पापा ने बोला एक काम कर, फिर मेरी मम्मी को भेज दिया, पापा अकेले रहते थे, खुद के लिए खाना खुद बनाना पापा, मम्मी को मेरे साथ भेज दिया था। मेरे को नहीं मिल रहे थे मैचेस ये वो, लेकिन मेरे को वन डाउन कराया, वहां से मेरे को स्टेट में खिलाया, फिर से कम बैक हुआ। और ये रणजी ट्रॉफी का तो सिर्फ यही था कि जैसे मैंने आईपीएल में सोचा था कि बस मौका मिले, बस मौका मिले, बस मैं उसी का ही वेट कर रहा था, बस मौका मिले आई एम रेडी। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, अच्छा पानी भी गिराओ विकेट में मेरे को मतलब नहीं, मेरे को रन बनाने, वही वाला था सर माइंडसेट। तो सर वो फेसेस की बात आए, तो सर ये तो मेरे को लगता है कि मेरे फादर ने मेरे को बहुत सही चीज सिखाई है कि द लाइक दिस टू शैल पास नथिंग स्टेज, जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, क्योंकि फिर आप इधर उधर की ध्यान रखोगे चीजों को तो क्रिकेट कौन खेलेगा। पापा बोलते थे मेरे हमेशा, 5 मैच में 300 मार रहा है तू 400 बना, क्रिकेट बहुत बड़ी है, इंडिया में सब खेल रहे हैं, इंडिया नहीं वर्ल्ड में सब खेल रहे हैं, नंबर 1 बनना है तो बहुत अलग करना पड़ेगा।